थैंक यू वेरी मच स्मृति जी. आपको लोग मिस कर रहे हैं बहुत, मतलब पीपल वॉन्ट टू सी यू मोर एक्टिवली. मे बी आप जो भी कर रही हैं, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स आउटसाइड द कैमरा, आउटसाइड द फोकस. एम आई राइट? पीपल वॉन्ट टू सी यू मोर इन, हाँ, am I correct in this, Smriti ji? मुझे लगा आज तक सिर्फ दिल मांगे मोर कोल्ड ड्रिंक के लिए कहा जाता था, अब पता चला कि देश की राजनीति में भी योगदान देने के लिए लोग इस प्रकार की चाहत रखते हैं. आई थिंक आई एम वेरी लकी कि भारतीय राजनीति में मैं अपने लिए एक छोटी सी वो जगह बना पाई. नहीं, वो तो है, मगर स्मृति जी इलेक्शन में अप डाउन तो होते हैं, मगर इस बार चुनाव के बाद पीपल वॉन्ट टू नो. मैं यही इसी बात से शुरुआत करना चाहता हूँ कि वॉट इज स्मृति ईरानी डूइंग दीज डेज? आपको हरियाणा के कैंपेन में बहुत देखा इस बार, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन हरियाणा. वॉट इज कीपिंग यू बिजी? संगठन का काम, और साथ ही जिस उद्देश्य के साथ, जिस मकसद के साथ राजनीति में आई थी, चाहे वो महिलाओं के संदर्भ में काम हो, चाहे वो छोटे व्यापारी हों उनको कैसे बड़ी अर्थव्यवस्था में एक सम्मानजनक स्थान मिले उसका कार्य हो, बच्चों के संबंध में जो कार्य है, तो इन सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ देश में और विदेश में काम कर रही हूँ. मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इतने नसीबदार होते हैं कि देश में दो अलग अलग खेमों में नहीं बल्कि अलग अलग स्ट्रीम्स में अपने लिए जगह बनाए. मैं दो दशक मीडिया में रही, मैं दो दशक से ज़्यादा देश की राजनीति में हूँ, और दोनों स्ट्रीम्स में सफलता पाना बहुत कम लोगों के नसीब में होता है, मेरे है. आप अमेठी से अगली बार लड़ेंगी? मैंने 2014 में, 2019 में और 24 में बार बार ये कहा कि कौन कहाँ से लड़ता है ये पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करती है. जहाँ तक कि अमेठी का उल्लेख है, 2014 में जब मुझे कहा गया कि मैं अमेठी जाकर लड़ूं, तब मैं राज्यसभा से गुजरात से सांसद थी जी. मैं ज्योग्राफिकली और सिफॉलोजी की दृष्टि से सबसे वेल ट्रैवल्ड पॉलिटिशियन हूँ. मैंने साल 2002-03 में जब अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत की तो मैं महाराष्ट्र में काम करती थी, वहाँ 10 साल काम किया, फिर गुजरात में काम करती थी, फिर मैं उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी. तो जब गुजरात से सांसद थी और कहा गया कि अमेठी से लड़ो, तब हमें इस बात का एहसास था कि अमेठी में हर डेढ़ दशक में परिवर्तन आता है. अमेठी का अगर आप कहीं ना कहीं वोटिंग का पैटर्न देखें और कॉम्पोजिशन देखें, तो वहाँ पर लगभग 55% वोटिंग कॉम्पोजिशन कांग्रेस के पक्ष में है. इसीलिए गांधी खानदान ने उस कॉन्स्टिट्यूंसी को चुना था कि एक ऐसी जगह चुनो जहाँ पर 100 मीटर की रेस में 55 मीटर पे आपकी शुरुआत हो. तो मैं अमेठी में पहली वो व्यक्ति हूँ, महिला पुरुष नहीं, पहली व्यक्ति हूँ जिसने 5 साल का बतौर सांसद कार्यकाल पूरा किया, वरना अमेठी में मुझसे पहले कभी भी किसी नॉन कांग्रेस कैंडिडेट ने 5 साल कभी पूरा नहीं किया था. रविंद्र प्रताप सिंह ने 70 के दशक में 2.5 से 3 साल वहाँ पर सेवा दी, संजय सिंह ने 1 साल सेवा दी. मैं पहली महिला हूँ जो गांधी खानदान से नहीं है, जो अमेठी से जीती, और पहली ऐसी भारत की राजनीति में व्यक्ति हूँ जिसने कांग्रेस के सिटिंग नेशनल प्रेसिडेंट को हराया. तो वो सारे खिताब मेरे लिए वंदनीय हैं. लेकिन ये भी सत्य है, ना 14 में, ना 19 में, ना 24 में मैंने बीजेपी से कहा कि मुझे अमेठी से लड़ना है. बीजेपी को लगा कि अमेठी में हम कड़ी टक्कर देना चाहते हैं. प्रधानमंत्री का अगर आपको भाषण याद है 2014 का, उन्होंने कहा मैं अमेठी में बदले की भावना से नहीं, बदलाव की भावना से आया हूँ. मुझे इस बात का संतोष है, इस बात की खुशी है कि जिस अमेठी में 80,000 घरों में आज़ादी के बाद कभी भी बिजली की तार नहीं गई, वहाँ मोदी के माध्यम से हमने बिजली पहुँचाई. 3 लाख से ज़्यादा घरों में हमने शौचालय बनाया, हमने 1.5 लाख परिवारों को घर बना कर दिया, हमने वहाँ का पहला मेडिकल कॉलेज बनाया, हमने वहाँ पर पहली बार, जो हम शहरों में बहुत ही आम बात मानते हैं कि आपका एक एक्सरे का मशीन हो, आपका अल्ट्रासाउंड का मशीन, ये सब सुविधाएं भी नहीं थी वहाँ पर. तो मैंने अगर अमेठी में 10 साल की अपनी राजनीति में
4 लाख से ज़्यादा परिवारों का भला किया है, तो मैं अपने जीवन की वो सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। नहीं, मगर आपने देखिए, राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी जी, क्या आप राहुल गांधी के साथ फिर एक बार 2029 या जब भी जो आम चुनाव हो, क्या आप लड़ेंगे कि नहीं? आई मीन, वी जस्ट वांट टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट। आपने उस कंस्टिट्यूएंसी को आपने इस कंस्टिट्यूएंसी को आपने अपनाया है, अपना बेस बनाया है, अब डेढ़ दशक तो नहीं रुक सकते हैं। देखिए, मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपनाया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ दी, ये फर्क है। उन्होंने वायनाड छोड़ी, छोड़ने की उनकी फितरत है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन ये भी सत्य है कि 24 के चुनाव में अगर उन्हें लगता कि वो अमेठी जीत सकते हैं, या प्रियंका जी को लगता कि वो अमेठी जीत सकती हैं, तो अमेठी ज़रूर लड़ते। उनका ना लड़ना सबसे पहला संकेत था कि उन्हें भी भय था कि वो हार रहे हैं। क्या आप रायबरेली जाएंगे? इतना काम हमने किया, क्या आप रायबरेली जाएंगे? मैं कहाँ जाऊंगी ये मेरी पार्टी बताएगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि पॉलिटिकली अगर आप किसी न्यूज़ चैनल पर देखें तो ऐसा लगता है कि द्वंद्व स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच का है, लेकिन द्वंद्व दो आइडियोलॉजीज़ के बीच का है, एक जो कहता है राष्ट्र सर्वोपरि और दूसरा जो कहता है परिवार सर्वोपरि। नहीं, मगर आपके खास आपके साथ तो प्रॉब्लम है, उनका पूरी जोर लगा के लोगों ने अपने कंस्टिट्यूएंसीज, अपने क्षेत्र, भूपेंद्र बघेल अपने क्षेत्र को छोड़ के, अपने राज्य को छोड़ के, केसी वेणुगोपाल, पूरी कांग्रेस, प्रियंका पूरी कांग्रेस पार्टी अमेठी पहुंच गई। तो ये राजनीति में शायद ही कोई महिला हो जिसको हराने के लिए पूरी कांग्रेस आई, इतना तो दम स्मृति ईरानी में। तो वो पूरी कांग्रेस पार्टी पहुंच गई कि कुछ भी हो जाए जी, अमेठी नहीं हार सकते हैं। तो ये क्या इशू है आपका उनके साथ या उनका आपके साथ? मुझे लगता है कांग्रेस, ये पर्सनल कब हो गई? मुझे लगता है जब मैंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया, एक भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता में और महिला कार्यकर्ता में इतना दम हो कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, हरा दे, ये उनके जीवन भर की चुभन है। और ये भी सत्य है कि जिस पड़ाव पर वो बोल रहे थे देश के खिलाफ, मेरी पार्टी के खिलाफ, तब तब मैं प्रखरता से बोल रही थी और जनता जनार्दन ने मेरा साथ दिया, ये भी उनकी दुखती रग है। देश के खिलाफ का मतलब क्या है? आप देखिए, हमारी देश की किस किस व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने बोला, देश के किस किस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ उन्होंने बोला। उन्होंने मतलब गांधी वाड्रा परिवार ने। मैं कहती हूँ अगर आप सिर्फ राहुल जी पर ही ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि वही माने जाते हैं सक्सेसर सोनिया जी के, तो सोनिया जी भी इतना नहीं बोली जितना राहुल जी बोले हैं। तो किस किस मुद्दे पर उन्होंने देश की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं घात करने का या आहत करने का प्रयास किया? स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट यानी कि राष्ट्र विरोधी। मैं कहती हूँ राष्ट्र सर्वोपरि करने के लिए जो चीज़ें दरकार थी, छोटा सा आपको उदाहरण देती हूँ, कोविड का वक्त था, देश पर मौत का साया मंडरा रहा था जी, हम चाहे किसी को भी वोट करें, हमारी चाहे कोई भी सोच हो जी, लेकिन हमारी सोच इतनी गिर नहीं सकती कि हम दूसरों को मौत के घाट उतारने पर उतारू हो जाएं जी, ताकि हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। उस वक्त जब देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि हम कोविड में हिंदुस्तान में वैक्सीन बनाएंगे, तब एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता होने के नाते उन्होंने राष्ट्रीय हित का समर्थन ना करते हुए प्रधानमंत्री पर, देश के तंत्रों पर ये दबाव बनाया कि हम विदेश से वैक्सीन लेकर आएं। बार बार प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद कि भारत में क्षमता है, उन्होंने भारत की इस क्षमता पर देश में, विदेश में भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया। ये हिंदुस्तान की काबिलियत और प्रधानमंत्री की दिलेरी का सबसे बड़ा प्रतीक है। हमने वैक्सीन हिंदुस्तान में बनाई, 2 करोड़ से ज़्यादा हमने जो वैक्सीन, 200 करोड़ की हमने उपलब्धता उनको दी, 160 देशों को हमने वैक्सीन उपलब्ध कराई, 140 करोड़ के देश में हमने सभी नागरिकों को दो दो डोज, तीन तीन डोज लगवाए। अगर राहुल गांधी का प्रेशर कोई मानता तो हम विदेशी कंपनियों की लाइन में तश्तरी लेकर खड़े होते, इस उम्मीद के साथ कि जी कब हमको वैक्सीन मिलेगा, तो क्या राहुल गांधी, कब हम जाने। तो क्या राहुल गांधी